रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राम पतित पावन सीता राम सीता राम भज प्यारे मन सीता राम भज प्यारे मन सीता राम रघुपति राघव तीर्थ पावन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बहुत अच्छा गाया जी, आप अपने लिए ताली बजा सकते हो जोरदार। मंच पे बैठे लोग अगर बजाएं आपके लिए तो और आनंद आएगा, पर आप तो बजाओ अपने लिए। ये डिविनिटी है नरेंद्र पटनायक साहब। लेकिन इस देश में जब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं कोई भी सभा प्रारंभ करूंगा तो ये भजन गुनगुनाऊंगा, बहुत से लोगों ने गाया लेकिन कुछ लोगों ने नहीं गाया, नहीं गाया। अब इसको आप समझ सकते हो, उसका उत्तर आपके पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन राम इस देश का चरित्र है। राम खाली नाम नहीं है, राम को वहां गुरु नानक भी याद करते हैं, जो पंजाब अफगानिस्तान ईरान इराक बगदाद और चाइना तक जाते हैं, वो भी राम के भजन और राम को याद करते हैं। इधर काशी में कबीर भी राम को याद करते हैं, इधर साउथ के बहुत से संत राम को याद करते हैं। बीच का भारत तो करता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब राम को याद करते हैं। फिर इस राम मंदिर को 500 वर्ष क्यों लगे साहब, ये विषय है। और जब ये विषय समाज का है तो ये विषय समाज में जाएगा। जब इस राम मंदिर के निर्माण में 500 वर्ष लगे तो उत्साह भी है, उमंग भी है और उल्लास भी है। इसलिए लोग गा रहे हैं रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आज का जो अवसर है, इस अवसर पर एक बड़ा विषय जो हाथ में लिया है, एक विषय हमने हाथ में लिया देश जब आजाद होने के बाद 75 वर्ष में प्रवेश किया तो हमारे संस्कृति मंत्रालय से एक विषय हाथ में लिया हमने, वो है आजादी का अमृत महोत्सव। उस दौरान पूरे देश में बहुत कार्यक्रम हुए, उड़ीसा में भी, और पूरे देश ने यह विश्लेषण किया कि हम 75 साल में कहां चले, कैसे चले, कहां तक पहुंचे। हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे उनकी गति कई देशों के हमसे आगे क्यों निकल गई, ये विषय चर्चा का था। और पूरे देश ने यह तय किया कि अब हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बना करके ही दम लेंगे। इसलिए इन 25 सालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कालखंड को जो 2047 तक चलेगा, ये 25 साल का कालखंड, इसको नाम दिया है अमृत काल। हर भारतवासी चाहता है कि 2047 तक ये देश विकसित भारत बने। और कई ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें भारत ग्लोबल लीडर बन गया है। योगा, पूरे संसार के लोग जब योग करते हैं तो
तो भारत को याद करते हैं, भारतीय विद्या है, तो इंडिया हैज बिकम ए ग्लोबल लीडर स्पेस अनदर एरिया। बड़े बड़े देश कहते हैं कि क्या हमारा रॉकेट आप छोड़ दोगे क्या, हमारा सैटेलाइट आप छोड़ दोगे क्या। इट मीन्स द इंडिया हैज बिकम ए ग्लोबल लीडर इन स्पेस सेक्टर। आयुर्वेदा आयुष अगेन इट स्पेसिफिक सेक्टर। इंडिया हैज बिकम ए ग्लोबल लीडर। ऐसे कई मामलों में इंडिया ग्लोबल लीडर बनेगा। स्पिरिचुअल इज ऑल्सो ए सेक्टर, डिविनिटी इज ऑल्सो ए सेक्टर, और जरूर इंडिया इसमें भी ग्लोबल लीडर बनेगा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ताकत है। आज जो कार्यक्रम ताली बजाना तो जोर से बजाइए, इसमें क्या कंजूसी करना। आज का कोई कार्यक्रम है, ये फ्रीडम फाइटर्स डे मनाने का कार्यक्रम अपने आप में अलग कार्यक्रम, अभिनव कार्यक्रम, नवाचार लिए हुए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह पता चलता है कि हमारे उस समय जो जवान, जो जवानी थी, या तो जवान जो युवा थे, कोई एडवोकेट था, कोई डॉक्टर था, वो सब महात्मा गांधी जी के कहने पे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदे और देश को आजाद कराया। उनको याद करने का दिन भी है, और नई पीढ़ी को ये समझाने का दिन भी है कि आप उनको पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन में प्रेरणा भी ले सकते हो कि कैसे उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी दिशा में हरे कृष्ण मेहताब साहब का भी नाम बड़ा नाम है। मुझे एक अवसर याद है, 9 अप्रैल 2021 को एक फंक्शन हुआ था, उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण के लोकार्पण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लोकार्पण किया था, और यहीं के कोई शायद व्यास जी नाम है क्या, व्यास जी जिन्होंने अनुवाद किया, पुरोहित शंकरलाल जी पुरोहित मेरे बीकानेर के, इसलिए हमारा कनेक्शन हो गया। वो मेरे पास ही बैठे थे, तो मैंने काफी उनसे परिचय लिया, तो पता चला कि हमारे एरिए के ही हैं। तो मैंने मेहताब साहब को धन्यवाद भी दिया कि देखिए उड़ीसा इतिहास का इन्होंने हिंदी में संस्करण, ये उड़ीसा इतिहास उड़िया में तो शायद पहले से ही था, बहुत पहले था, लेकिन हिंदी संस्करण का जब लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो पूरे देश में डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब साहब का परिचय, उड़ीसा का इतिहास, और ये फंक्शन भी बहुत शानदार हुआ था। बहुत लोग थे विद्वान, मुझे लगता है दिल्ली में रहने वाले अधिकतर विद्वान थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे उस फंक्शन में, तो मैं मेहताब साहब और मैं भी था, इसलिए आपने उस समय भी मुझे याद किया और इस फंक्शन में भी याद किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।